नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं केके न्यूज़ हिंदी और मैं आपके साथ कंची। नवविवाहित जोड़े दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने बेंगलुरु के बाद बुधवार को मुंबई में रिसेप्शन पार्टी दी, जिसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और उन्हें शादी की शुभकामनाएं भी दी। इस मौके पर दीपिका ने ऑनेस्ट वाइट डिजाइनर कॉस्ट्यूम पहना था। रणवीर का कॉस्ट्यूम भी इसी रंग का था, इसमें दोनों रॉयल लग रहे थे। इस दौरान दोनों के माता पिता भी मौजूद थे। यह जोड़ा लगभग 5 घंटे तक खड़ा रहा और पार्टी में आने वाले अतिथियों का आभार जताता रहा। पार्टी में लगभग 1.2 सौ मेहमान पहुंचे थे, जिसमें रणवीर का परिवार और मीडिया भी थे। दीपिका और रणवीर बुधवार रात लगभग 8:30 बजे हयात होटल पहुंचे। टेनिस दिग्गज प्रकाश पादुकोण की बेटी दीपिका और रणवीर ने 14 और 15 नवंबर को इटली के लॉक कोमो में शादी की थी। शादी के बाद पहला रिसेप्शन बेंगलुरु में था। इससे पहले रणवीर की बहन ने मुंबई में भी पार्टी दी थी। रिसेप्शन में काफ़ी देर तक खड़े रहने नहीं थकने का सवाल पर रणवीर ने कहा, नहीं बल्कि नहीं, ये हमारी खुशी है। दीपिका और रणवीर बीच बीच में एक दूसरे के कान में बात करते दिखाई दिए। वे मेहमान के गले लगकर उनका आभार जताते रहे, उनका स्वागत करते रहे। रिसेप्शन में की मेन्यू वैरायटी थी। मलबारी केरल पराठा था, जो मक्का की रोटी, सरसों का साग, बिरयानी, साबरमती, चाइनीज़।